Come on, easier, easier. Easy. Come on. Folks. Yep. Come on. Yes, yes. Udega, udega. Come on. Come on. Yes, yes. Yes, 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 पढ़ाई का मैदान हो, स्पोर्ट्स का मैदान हो, खेलकूद का मैदान हो, लड़कियां जो है बाजी मारती है। कहीं ना कहीं आपने देखे कि जिस तरह से नीट के रिजल्ट्स हो या ट्वेल्थ क्लास या टेंथ क्लास के रिजल्ट्स, उसमें जो है हमारी लड़कियां, कौम की बेटियां जो आगे जा रही है। तो इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज हुमैरा मोहम्मद से, जो कि बारहवीं जमात की तालिबे इल्म है, हंदवाड़ा से ताल्लुक रखती है। हाल ही में इन्होंने यूटी लेवल पे पावर लिफ्टिंग एंड डेड लिफ्टिंग में इन्होंने जो है कारकर्दगी दिखा के दो गोल्ड मेडल यहां पर जो है जीत लिए हैं और यहां पर जो है पूरे कुपवाड़ा का नाम रोशन किया। बता दें कि फर्स्ट डिवीजन इन्होंने कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी से ली है, जम्मू में जो इनका यहां पर स्पोर्ट्स इवेंट था। तो इनसे आज बात करेंगे इस हवाले से, क्या कहेंगे ये? आपका खैर मकदम है। थैंक यू सो मच सर। तो क्या कहेंगे, आपने हाल ही में जम्मू में जो है आपने कारकर्दगी दिखाई, पूरे जम्मू कश्मीर में आपने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है और दो गोल्ड मेडल जीते, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी थैंकफुल टू अलमाइटी अल्लाह, थैंकफुल टू माय फैमिली, थैंकफुल टू माय ट्रेनर्स, जिनकी बदौलत मैंने यूटी में जो डेडलिफ्ट एंड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ यूटी लेवल पे, वो मैंने क्रिएट कर दिया और वहाँ पे मैंने दो गोल्ड मेडल्स हासिल किए और आई वाज अवार्डेड एज बेस्ट फीमेल पावरलिफ्टर ऑफ द मैच। का शौक था इसके साथ जिम वगैरह जाने का, कि किस वजह से आप गए और यहाँ तक आप पहुँचे? पहले तो मैं नॉर्मली गई थी फिटनेस के लिए, जब मैं जिम गई वहाँ पे मैंने देखा कि मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ है, मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ, तो मेरे ट्रेनर्स ने भी कहा, उन्होंने मेरी फैमिली को अप्रोच किया, तो उन्होंने जब मेरी फैमिली से बात करी तो मुझे अपनी फैमिली जो है मेरी, उन्होंने मुझे अलो किया और मैं इस फील्ड में आ गई। तो उसके बाद आपका शौक बढ़ा तो यहाँ तक इस लेवल पे पहुँच गया? हाँ, जब मैंने पहले जो मेरा पहला चैंपियनशिप था, इट वाज मिस्टर एंड मिस नॉर्थ कश्मीर, जो 2021 दिसंबर में हुआ था, वो ऑर्गेनाइज कर रहा था क्रॉसफिट क्लब हंदवाड़ा, तौसी बांडे वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो उस दिन मैंने, वो मेरा पहला चैंपियनशिप रहा है, जब मैंने वो खेला, मैंने वो जीत लिया, उसके बाद शौक बढ़ा तो मैंने कंटिन्यू किया। इट वाज 1 टन एंड 15 kgs। और रही बात लेडीज की वो वीक होती है एज कम्पेयर टू मैन, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खाली जो हमारा माइंड सेट है, हमें अपने मतलब जो हमारा माइंड सेट होता है उस पर सारा कुछ डिपेंड होता है। अगर हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में पता चले तो हम बहुत आगे जा सकते हैं इन एवरी फील्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम वीक होते हैं एज कम्पेयर टू बॉय। मेरा पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को जो है स्पोर्ट्स के खेलों में जो है हिस्सा लेना चाहिए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को स्पोर्ट्स की तरफ भी जाना चाहिए। एक तो इंसान इससे मेंटली भी फिट रहता है, हमारी जो बॉडी है वो भी एक्टिव रहती है, और जो बाकी काम है, मतलब हम देखेंगे ड्रग्स का जो इश्यू है वो कश्मीर में आज एक मेन चीज बन गई है, तो वो चीजें सारी अवॉइड करके हमें चाहिए, वेदर बॉयज और गर्ल्स, उन सबको चाहिए वो ऐसी चीजें छोड़ के, ड्रग्स छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ आए। तो आज आपका पूरा जम्मू कश्मीर, क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कश्मीर से आपने, जम्मू कश्मीर से बाजी मारकर आपने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, तो आगे क्या इरादा है? आगे मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इंशाल्लाह, अभी तो मैं नेशनल्स के लिए तैयारी कर रही हूँ, इससे आगे कोशिश रहेगी मैं एशियन लेवल पर खेलूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेलूँ, मैं अपनी फैमिली को प्राउड कराऊँ, अपनी जो हमारा कश्मीर है इसको प्राउड फील कराऊँ और सबको प्राउड फील कराऊँ। पहली बार ये वेट लिफ्टिंग आपने इतना ज्यादा केजी में उठाया है, तो उस टाइम आपको क्या लगा? बहुत ही टफ था, लेकिन जब हम अपने माइंड को मोटिवेट करते हैं कि करना है तो फिर उसके आगे कुछ नहीं दिखता है, बस कर दिया। तो जब आपने जीत हासिल की उसके बाद क्या फीलिंग थी आपको? बहुत ही अच्छा लगा, सब खुश थे, मेरी फैमिली खुश थी, मेरे ट्रेनर्स खुश थे, मतलब जो मेरी नेबरिंग में थी, मेरी सोसाइटी सारे खुश थे, सबों ने मुझे कॉन्ग्रेट्स किया कि मैंने उनको प्राउड फील कराया, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप?
क्रेडिट पहले ही मैं अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, उसके बाद मेरी फैमिली की, क्योंकि अगर वो मुझे अलो नहीं करते, उनके बगैर कुछ पॉसिबल नहीं था। उसके बाद जो मेरे ट्रेनर्स है, मेरे ट्रेनर है ताबिश रमजान लोन, और जो मेरे मेंटल एंड फिटनेस काउंसलर है दैट्स मोहसिन रशीद, तो मैं उन सब की थैंकफुल हूँ। और मैं उन सारे लोगों की थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे इनकरेज किया इस फील्ड में, जबकि बाकी लोग यू नो क्रिटिसाइज कर रहे थे लड़की है पावर लिफ्टिंग कर रही है, तो मैं उन सारे लोगों की बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे इस चीज में सपोर्ट किया, इनकरेज किया। तो जैसे कि हमारी माएँ बहनें जो हैं घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, उसके बावजूद भी आपने ये फील्ड चूज किया, कल के डेट में आपको आगे जाना है फील्ड में, तो कैसे, किन दुश्वारियों से आपको गुजरना पड़ेगा, तो उसके बाद आप किसी मुकाम पर पहुंचे? इसके लिए देखो, जो लड़की है पढ़ाई, वो पढ़ाई करती है या घर के काम करता है, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो बस घर में ही काम करे। हम हर एक फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, बस हमें अपना माइंड सेट जो है उसको तैयार करना है। हम हर एक फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और हमें मेहनत करनी है, तो जब हम मेहनत करेंगे ओवरसी जो भी हमारी विशेष होंगी वो तो ओवरसी डेफिनेटली। काफी अच्छा लगा जब उसने वहाँ पे 235 केजी का उठाया था वेट, प्राउड मोमेंट हुआ था, मतलब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। तो उसने वहाँ पे ऐसी कारकर्दगी दिखाई, वहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स हैं, कश्मीर से भी थे, जम्मू से भी थे, तो वो पावर ऑफ द वुमेन आई थी वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा कि उसने वहाँ पे ये उठाया। तो मुझे बताइए ये इनकी जो कारकर्दगी है पूरी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर है, इनकी फर्स्ट डिवीजन? जी सर, ये पावर ऑफ द वुमेन वहाँ पे सर पावर मैन देते हैं, ये पावर ऑफ द वुमेन आ रही है वहाँ पे, मतलब पूरी यूटी की यू, मतलब उसके बाद इसके अब नेशनल के लिए प्रिपेयर कर रही है, उसमें नेशनल खेलना है। तो जस्ट इन्होंने कहा कि मैं जब जिम गई थी अपने वेट को कम करने के लिए, तो उसके बाद जो है ये इनको इंटरेस्ट बढ़ी तो यहाँ तक पहुँच गई, तो इसके पीछे क्या मतलब राज है कि किस तरह से आपने इनको सिखाया? जी सर, इसके हमारे जिम में एक ट्रेनर भी है ताबिश रमजान, जिसको ट्रेन कर रहा था और हम प्रॉपरली इसके साथ थे। ताबिश भी जो है उसने भी वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता ताबिश रमजान, तो उसने भी वो इसका ट्रेनर है, उसने भी काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे, तो हम मतलब इसके पीछे काफ़ी मेहनत कर रहे थे ताकि ये हमारे नाम प्राउड करे, तो खुद का भी नाम उसने प्राउड किया वहाँ पे। तो क्या मैसेज है आपको जनरल बच्चियों के लिए और लड़कों के लिए, क्या मैसेज? सर मेरी यही मैसेज है कि जो आप देखिए आजकल के जो माहौल में ड्रग्स बहुत सारा है, जो सर मैं इवेंट्स भी यहाँ पे करवा रहा हूँ इसी के रिगार्डिंग, ताकि बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में आए, जो ड्रग्स है वो ड्रग्स फ्री हो जाए यहाँ पे। तो इसलिए सर मैंने आज भी इवेंट रखा है, इससे पहले भी मैंने, ये सेकंड एडिशन है, तो मैं बच्चों से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में आए, इवेंट्स में आए। कमान,